माता शारदे का आशीर्वाद प्राप्त कर अतिथि महोदयों से आग्रह करता हूँ यथोचित स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। कर सरस्वती को नमन प्रथम गणपति का वंदन करता हूँ। हो कामनाएं पूरी सबकी यह विनती मन ही मन करता हूँ। हो हृदय से भाव विभोर सबको, हो हृदय से भाव विभोर सबको, सत सत मैं वंदन करता हूँ। माँ सरस्वती के प्रांगण में सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच पढ़ाई हुए साथियों बड़े इनके चरणों की धूली को इस प्रांगण में देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही थी, वो पल अब आपके सामने आ चुका है। तो अब राजगीत के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और इस अवसर पर सभी से मेरा करवट प्रार्थना है कि यथा स्थान अपने अपने जगहों पे राजगीत के सम्मान हेतु खड़े हो जाए। राजगीत के लिए खड़े हो जाओ भाई सभी लोग। अगले स्वागत के लिए सर जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे और मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। अतिथि बहती है भारत की धारा, स्वागत करके श्रीमान आपका निभा रहे हैं। आप दाता दिखती है और भारतीय संस्कारों की शुद्ध सुजाता दिखती है। भारत की बेटियों में किसी को और दिखता होगा लेकिन मुझे भारत की बेटियों में भारत माता दिखती है, भारत माता दिखती है। कहते हैं बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौ भाग्य से होती है, बेटियां सौ भाग्य से होती है। वो घर कुदरत भी उस घर पे मेहरबान होता है जिस घर में बेटियां खिलखिलाती है, हंसती है, किलकारियां मारती है। आज उन्हीं देश के नन्हे मुन्हे बच्चियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
हमारे बीच परम आदरणीय कर्तव्यनिष्ठ जुझारू लगनशील मिलनसार व्यक्तित्व के धनी परम चरित्रवान एवं सबके दिलों में राज करने वाले मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है और आज उन्हीं के कर कमलों से यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। यह जरहाड़ी स्कूल प्रांगण के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब इतनी बड़ी हस्ती के हाथ से हमारा यह कार्यक्रम संपन्न हो। यह हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच ऐसे महान हस्ती उपस्थित है। Thank you.
विधायक प्रतिनिधि आदरणीय तिवारी जी, इस जरहाड़ी पंचायत के सरपंच महोदया, हमारे विभाग से या गांव से आए हुए समस्त सम्माननीय अतिथिगण, हमारे सम्माननीय पालक, एसएमडीसी के सभी सदस्य, हमारे विद्यालय परिवार के सभी सदस्य, विद्यार्थियों, विधायक जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप साइकिल यहाँ वितरण करने आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पेड़ों के नीचे साइकिल रखना पड़ता है, बड़ी असुविधा होती है। यदि कृपा करके हमें साइकिल स्टैंड प्रदान करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। दूसरा, हमारे विद्यालय में समरसिबल की कमी है, हैंडपंप तो है लेकिन समरसिबल के बिना विद्यार्थियों को पानी पीने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर भी विचार करेंगे। साथ ही हमारा जो विद्यालय है, अभी तक 2007 से संचालित हाई स्कूल यहां पर प्रारंभ हुआ है और तब से अतिरिक्त कक्ष में ही हम लोग विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, इसलिए हम सभी विद्यार्थियों के लिए यदि भवन की भी व्यवस्था करेंगे तो हम सभी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जरहाड़ी विद्या मंदिर कहें, विद्यालय कहें, हमारे क्षेत्र का, गांव का, समाज का और देश के भविष्य कहें, जहां हमारे बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, ऐसे जगह को मैं सब सब नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यहां के प्रधान महोदय, यहाँ के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, मंच पे बैठे हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, बीडीसी और सभी हमारे सम्मानित नेतागण, सभी अभिभावक, छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों और उपस्थित सभी साथियों और पुलिस प्रशासन के जवानों और हमारे मीडिया के साथियों, बच्चों आज सुनेंगे कुछ बातों आप लोगों से करने में आया हूँ, आपस में बात बाद में करेंगे। आज बहुत अच्छा लगता है जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे फूलों से, पुष्पों से, गीतों से, सुनहरों से, नाचों से, गानों से साथ करते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, आप सब खूब आगे बढ़े, फले फूले। अभी हम लोग माँ सरस्वती का और छत्तीसगढ़ मातारी का पूजा करते समय ही प्रार्थना अर्चना कर रहे थे कि हे माता, हमारे इस विद्यालय पढ़ने वाले सभी बच्चों की मनोकामना पूरा करना और बहुत ऊंचाई तक लेकर जाना। जितने आप बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके अभिभावक भी आए हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं जरा हाथ उठाकर बताएंगे उनके माता पिता लोग कौन कौन कितने बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे नहीं, बच्चे के माँ बाप या भाई हैं,
वो हाथ उठा के बताया था किनारे किन के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, और उधर आप लोगों को मालूम है क्या कि आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं पढ़ने के बाद? मालूम है क्या रविंदर, मालूम है आपका बच्चा क्या बनना चाहता? नहीं मालूम? आज देखिए मैं आपको बताता हूं, 3 किलोमीटर दूरी तक आपके आंख बिल्कुल साफ देखने का, हवाई मार्गों में भी है ना, तभी आप पायलट बनेंगे। दूसरे मैथ के लिए पढ़ाई करना होगा, है ना? बेस्ट आप लोग, बहुत बढ़िया, बजा तालीम बच्चों के लिए। तो एक बहादुर बेटी है, देखो एसपी बनना चाहती है, आईपीएस बनना चाहती है, चले जाओ इधर, चले जाओ। पुलिस विभाग में जाने के लिए सलामी देना होता है ना? चलो करके दिखाओ, विश्रम विश्रम साधन सलामी दे, सलामी दे मतलब ऐसा करते हैं, ऐसा खड़ाओ के साथ पैर दबा करते, जय हिंद, हाँ गुड, बहुत बढ़िया, दौड़ने का रोज बहुत अच्छा। क्या नाम बेटा आपका? सपना शर्मा। शर्मा, खूब दौड़ने का भी, शारीरिक फिटनेस में ठीक होने का है ना, बहुत अच्छा, बेस्ट आप लोग, बहुत बढ़िया। वाह, आपके स्कूल में एसपी भी बहुत बढ़िया, सावधान रहना आप लोग, बहुत अच्छा, बैठो बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? बाप रे, खड़े हो जाइए खड़े हो जाइए, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में रहे, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो न्यायाधीश बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं या वकील बनना चाहते हैं? जज कौन कौन बनना चाहता है? जब सॉरी ये पुलिस वाले गड़बड़ करेंगे तो आप लोग ठीक करेंगे, कौन कौन जज बनेगा बताओ?